और दोस्तों क्या हालचाल, इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि पुरानी डब्बा टीवी के अंदर आप क्रोम कास्ट को कैसे यूज कर सकते हो अपनी मोबाइल के स्क्रीन को कास्ट करने के लिए। और दूसरी और सबसे बड़ी बात कि अपन इस टाइप की जो पुरानी सीआरटी टीवी होती है ना, इसके अंदर फायर टीवी को कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई तुम्हें ऑब्वियसली पता होगा कि इससे पहले अपन ने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर अपन ने ये समझा था कि पुरानी टीवी को एंड्रॉइड कैसे बनाना है। और उस वीडियो के एंड में मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर अपन क्रोमकास्ट और फायर टीवी स्टिक जो टीवी के अंदर अभी चल रही है, मैं आपको लाइव बताऊंगा करके कि कैसे पुरानी टीवी में फायर टीवी स्टिक या क्रोमकास्ट को कनेक्ट करना है। तो सीधी सी बात है, पुरानी टीवी को स्मार्ट बनाने के लिए यानी कि इसमें फायर टीवी यूज करने के लिए अपने को एक एचडी वीडियो कन्वर्टर की जरूरत रहेगी। ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे डिवाइस आता है, मैंने इसको 350 रुपये में मंगवाया ऑनलाइन Amazon से। अब ये आपको ना ऑफलाइन 200 रुपये में भी मिल जाएगा, यहाँ तक कि 150 रुपये में भी मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से समझना मेरे भाई, इसको भूल कर भी ऑफलाइन बाय मत करना, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर कोई भी गारंटी वारंटी आती ही नहीं है। मतलब कोई ब्रांड इसको बनाता ही नहीं है, ये सब चाइना का प्रोडक्ट है भाई। आपने ले लिया, कल से खराब निकल गया, तो नो गारंटी नो वारंटी। अब तुम खुद ही सोचो कि दुकानदार से तुम लेकर आगे और बाय चांस तुम्हारे ये काम नहीं करा, तो वो दुकानदार इसको वापस तो नहीं लेने वाला, क्योंकि इसके अंदर गारंटी वारंटी कुछ भी तो अपने को मिली नहीं है। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ यार कि ये वाला जो अपना HD कन्वर्टर है ना, इसको Amazon से ही यहाँ पे बाय करना, क्योंकि Amazon के अंदर अपने को रिप्लेसमेंट और रिटर्न पॉलिसी मिलती है। तो अगर बाय चांस आपके ये खराब निकल जाता है या काम नहीं कर रहा है या फिर सही से ये आपके परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप इसको रिप्लेस या रिटर्न करवा सकते हो अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ Amazon से खरीदोगे तो। और मैंने इसको बेस्ट सेलर से यहाँ पे बाय करा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे इस HDD कन्वर्टर को आप ऑर्डर करोगे तो इस टाइप का अपने को बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर से एक केबल अपने को मिलेगी। और भाई साहब इसके अंदर अपने को हद की पुरानी केबल मिलती है, मतलब ये केबल अगर आपके खराब होगी ना तो ये आपको मिलने वाली भी नहीं है, क्योंकि ये तो पुराने जमाने के कीपैड मोबाइल में आती थी। इसके अलावा अपने को एक HDD कन्वर्टर मिल जाएगा जिसके एक तरफ यहाँ पे 3RC के पोर्ट है, दूसरी तरफ अपना HDMI का पोर्ट है, और आखिरी में से बॉक्स में से एक कैशबैक का कूपन मिलेगा। भाई जब कंपनी ऐसा काम करे ना तो समझ लेना चाहिए कि उनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा। अब ये जो अपना HD कन्वर्टर है इसको यूज़ कैसे करना है, इसके अंदर क्रोमकास्ट को कैसे कनेक्ट करना है, उसके बाद फायर टीवी को कैसे कनेक्ट करना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यार ये जो अपना कन्वर्टर है कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा, HDMI 2 AV कन्वर्टर है। और देखो एक बात ध्यान रखना, ये वाला जो पोर्ट है ये अपना पावर का पोर्ट है और ये वाली केबल इसके साथ अपने को मिल रही है। तो ये वाला जो पोर्ट रहेगा ये ऑब्वियसली इसके अंदर चल जाएगा कुछ इस टाइप से, और बाकी ये USB वाला पोर्ट है, तो आप चाहो तो इसको चार्जर में यूज़ कर लेना या फिर चार्जर में करना पड़ेगा वैसे तो। हाँ LED होती तो LED के USB पोर्ट में अपन कर लेते हैं, लेकिन ये तो टीवी है तो चार्जर से यूज़ करना पड़ेगा। तो यार जो पोर्ट मिल रहा है इसके अंदर अपने को 3RC केबल लगानी है, एंड या 3RC केबल अलग से खरीद के ले आना, 30-40 रुपये की केबल आएगी मार्केट से, तो ये आप आराम से खरीद लेना। तो जब भी आप 3RC लगाओ ना तो एक बार ध्यान रखना कि कलर के हिसाब से मैच करके लगाना, जैसे कि येल्लो के अंदर येल्लो, व्हाइट के अंदर व्हाइट, एंड देन आखिरी में रेड के अंदर रेड। और सेम केबल, भले ये 3RC केबल है तो उसका दूसरा वाला पोर्ट भी सेम तरीके से रहेगा। तो ये जो केबल है ये आपके टीवी में HDZ यहाँ पे लग जाएगी, और कलर का ध्यान रखना अगर आप इसको टीवी में लगाते हो तो, क्योंकि अगर कलर को आप इधर उधर कर दोगे ना तो स्पीकर में से आवाज़ नहीं आ पाएगी। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, ये वाली केबल तो अपनी वीडियो के लिए, लेकिन ये व्हाइट और रेड वाली जो केबल है ना ये ऑडियो के लिए है, ये लेफ्ट वाले स्पीकर और ये राइट वाले स्पीकर के लिए। तो कलर का हमेशा ध्यान रखना जब भी आप इसको यूज करो। अब इस कन्वर्टर के एक तरफ तो अपन ने 3RC केबल लगा दी, दूसरी तरफ यहाँ पे HDMI पोर्ट है। तो पहले अपन क्रोमकास्ट यूज करके इसके अंदर देखेंगे कि क्रोमकास्ट को कैसे यूज करना है। तो फिलहाल तो देखो मेरे पास OUD का क्रोमकास्ट है, ये आपको 800 रुपये में मिल जाएगा ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। हाँ अगर ऑनलाइन बाय करना तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप आराम से बाय कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप से अपना यहाँ पे क्रोमकास्ट आता है, और वैसे भी मैंने इसकी वीडियो बना रखी है तो जाके एक बार देख लेना भाई। अब देखो ये जो क्रोमकास्ट है ना इसका एक ये जो पोर्ट है ये HDMI वाला पोर्ट है, तो ये ऐसे कैसे इसके अंदर इस तरीके से लग जाएगा। देन अपना जो पूरा सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है, बस पावर देने के लिए अपने को यहाँ पे ये केबल लगानी है। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेटअप हो गया है, और इसी के जगह अगर आपको फायर टीवी यूज़ करनी हो तो फायर टीवी को जिस टाइप से आती है इसको हटा के बस यहाँ पे जो HDMI का पोर्ट है उसके अंदर अपने को फायर टीवी को इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। और हाँ एक बात और ध्यान रखना, इस बटन को लेकर कन्फ्यूज मत होना ज़्यादा, ये बटन बस ऐसे ही दे रखा है, क्योंकि किसी भी मोड के अंदर आप इसको रखते हो ना तो भी आपकी टीवी चलने वाली है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जैसे अपन टीवी को ऑन करेंगे ना तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। अब आपको मोबाइल के अंदर क्या करना है इसको समझ लेना। मोबाइल के अंदर अपने को एक ऑप्शन मिलता है भाई, और जो ऑब्वियसली सारे मोबाइल के अंदर मिलता है, स्क्रीन कास्ट का, तो इसको ऊपर क्लिक करके रखना। देन आपको यहाँ पे ओके का बटन पे क्लिक कर देना, लोकेशन को ऑन कर देना अगर ये मांगे तो। उसके बाद आपका जो मोबाइल है क्रोमकास्ट के नाम को सर्च करेगा, देन आपको जैसे यहाँ पे नाम दिख जाता है उसके ऊपर आप क्लिक कर देना, और उसके बाद गाइस 5 से 10 सेकंड लगेंगे और आपका मोबाइल आपकी टीवी के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है यार, तुम्हारे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो टीवी के अंदर कास्ट
ब्लास्ट होने लगी है। तो इसके बाद तो मोबाइल के अंदर यहाँ पे जो भी करते हो या फिर जो भी देखते हो वो सब तुम्हें एट इज जेड यहाँ पे टीवी के अंदर दिख जाएगा। बेसिकली स्क्रीन कास्ट होता है भाई। लेकिन मेरे भाई एक बात को ध्यान रखना, ये जो क्रोम कास्ट होते हैं ना, भले आप यूट्यूब का लो या गूगल क्रोम कास्ट लो, इनके अंदर अपन सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं, कुछ और एक्सपेक्ट मत करना। सिर्फ आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को टीवी के अंदर देख सकते हो वायरलेस। लेकिन अगर इसी की जगह अपन फायर टीवी को कनेक्ट करते हैं टीवी के अंदर, तो आपकी पुरानी टीवी पूरी स्मार्ट बन जाएगी। आप सारे ओटीटी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो। इसके अंदर अपने को प्ले स्टोर भी मिलता है, तो अपनी मनपसंद एप्लीकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो, और आपको सारी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन इसके अंदर मिल जाएगी। तो मतलब साफ साफ है यार, जो नई एलईडी के अंदर अपने को फीचर मिलते हैं ना, वो सारे फीचर आपको अपनी पुरानी टीवी के अंदर मिल जाएगा, बस इस कन्वर्टर को यूज करने के बाद। अब फायर टीवी के अंदर आपको यूट्यूब, अमेजोन प्राइम, ये सारी एप्लीकेशन तो मिल ही जाती है, साथ में स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन भी मिलता है। क्योंकि फायर टीवी के अंदर अगर आप होम बटन को प्रेस करके रखोगे तो थर्ड नंबर पे अपने को स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन फायर टीवी के अंदर भी कास्ट होने लग जाएगी। यानी कि क्रोम कास्ट के अंदर जो अपने को फीचर मिलता है वो फीचर अपने को फायर टीवी के अंदर भी मिलता है। और अगर आप फायर टीवी खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पे जाके बाय कर लेना। और अगर फायर टीवी की वीडियो भी देखना चाहते हो तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। ऑलराइट दोस्तों, छोटी सी वीडियो थी यार, बेसिकली प्रैक्टिकल ही बताया मैंने पूरी वीडियो में कि फायर टीवी स्टिक या क्रोम कास्ट को टीवी के अंदर कैसे चलाना है। फिर भी आपको कुछ पूछना हो या फिर आपके मन में सवाल हो तो कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, आपका भाई आपके लिए बैठा हुआ है, तो कमेंट कर देना, रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर ही देना चैनल को और शेयर कर देना। मतलब ये पता नहीं कितनी वीडियो के बाद आज मैंने बोला है कि वीडियो को शेयर कर देना, तो भाई का मान रख के शेयर कर ही देना वीडियो को, एल्गोरिथम में भी फायदा मिलना चाहिए ना, तभी तो बात बनेगी। तो बाय।